सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दिवाली में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए जानते हैं कि दीपावली हम किस दिन मनाएं, किस दिन मनाना उचित रहेगा। ज्योतिषचार्य हुए या प्रकांड पंडित हुए या काशी के ज्योतिषचार्य हुए, ये लोगों ने कौन सी तारीख सही बताई है, किस तारीख को हम लोगों को दीपावली मनाना उचित होगा और साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या होगा। आपके शहर के अनुसार हम लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त बताने वाले हैं, सबसे उत्तम मुहूर्त भी बताएंगे और साथ ही पूजा सामग्री के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो ये दीपावली बेहद खास है क्योंकि ये दो दिन मनाई जाएगी, एक 31 अक्टूबर को और दूसरा 1 नवंबर को, लेकिन ज्यादातर लोग 31 अक्टूबर को ही मनाएंगे। आइए फटाफट पूरी जानकारी जान लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इस बार दिवाली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, दिवाली कब, कैसे और किस दिन के लिए शुभ मुहूर्त होगा, लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगे। अमावस्या तिथि दो दिन पड़ रही है, कार्तिक अमावस्या दो दिन होने के कारण ये कंफ्यूजन बना है, लेकिन आइए आपको बताते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार क्या होगी तिथि। देखिए, कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि 31 तारीख को यानी 31 अक्टूबर को दोपहर 3:22 पर शुरू हो जाएगा और 1 नवंबर को 5:23 पर समाप्त होगा। यही कारण है कि लोग 1 नवंबर की जगह 31 अक्टूबर को मानना उचित समझ रहे हैं। निशिता काल में भ्रमण करती हैं माता रानी, यही कारण है कि प्रदोष काल और निशिता काल में पूजा करने का विधान होता है। अब ज्योतिषचारों पंडितों का तर्क है कि दिवाली पर सूर्योदय के बाद 3 प्रहर तक कोई तिथि व्याप्त हो तो उदय काल में तिथि होना माना जाता है। जो लोग 1 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं वो उदय तिथि मानने के कारण ही दिवाली 1 नवंबर को कर रहे हैं। अब ऐसे में अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को भी रहेगी और 1 नवंबर को रहेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिवाली में लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर को 5:32 से 8:51 तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त देख सकते हैं, संध्या मुहूर्त देख सकते हैं और साथ ही निशिता काल का मुहूर्त देख सकते हैं। दिवाली में लक्ष्मी पूजा अगर आप 31 अक्टूबर को कर रहे हैं तो आपको 1:45 का समय मिलेगा, यानी 7:15 से 8:30 तक माँ लक्ष्मी की आप पूजा कर पाएंगे। सामग्री पहले से रखें, पूरी तैयारी पहले से करिए और लोग पूरे दिन इसी चीज की तैयारी करते हैं। सो आई होप कि आपकी पूरी तैयारी पूरी हो गई हो और 7:30 से 8:30 के बीच में आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर ले। देखिए, आपके शहर के अनुसार भी हम लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त बताने वाले हैं। अगर आप 1 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं तो आपके पास लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त सिर्फ 41 मिनट का होगा, वो 5:36 से 6:16 तक रहेगा, यानी कि 31 अक्टूबर को 1 घंटे से ज्यादा समय मिल रहा है और 1 नवंबर को 1 घंटे से कम समय मिलेगा। अगर आप दिवाली की लक्ष्मी पूजा चौघड़िया मुहूर्त में करते हैं तो वो भी मुहूर्त आप यहां पर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपके शहर के अनुसार आप लक्ष्मी पूजा कब करेंगे, कौन सा समय उचित होगा। देखिए, हम आपको 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों टाइम बता रहे हैं, आपको जो उचित लगे उस दिन आप मना सकते हैं। नई दिल्ली में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से 6:16 तक रहेगा, तो नई दिल्ली वालों को 41 मिनट का समय मिल रहा है माँ लक्ष्मी की पूजा का। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो 5:23 से 6:16 तक माँ लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त रहेगा, 53 मिनट आपको मिल रहे हैं। दिवाली पूजा में अगर नोएडा वालों की बात कर ले तो 5:35 से 6:16 तक लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। चंडीगढ़ में 5:35 से 6:16 तक लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त है, 42 मिनट खास है, प्रदोष काल 8:11 तक रहेगा। और साथ ही आप जयपुर का देख सकते हैं, 5:44 से 6:16 तक का समय है, 33 मिनट मिलेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करिएगा। हैदराबाद में भी 6:16 तक का समय है, आपको 32 मिनट का समय मिलेगा। बात कर ले कोलकाता की तो 6:00 से 6:15 तक आपके पास शुभ मुहूर्त है, 31 मिनट मिलेगा जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर पाएंगे। ऐसे ही पटना का मुहूर्त आप देख सकते हैं, 5:08 से 6:16 तक शुभ मुहूर्त है। मुंबई के रहने वाले हैं तो 7:00 से 8:30 तक यानी 1:39 मिलेगा जब आप माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर पाएंगे। बेंगलुरु में भी लगभग 7:00 से 8:30 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, तो आप भी इस समय पूजा कर पाएंगे, 1:34 मिल रहे हैं। बाकी आप रांची का देख सकते हैं कौन सा शुभ मुहूर्त है, कितने बजे तक रहेगा। दिवाली में रायपुर में कितना शुभ मुहूर्त मिल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। कानपुर के रहने वाले हैं तो 5:26 से 6:16 तक शुभ मुहूर्त है, कुल 50 मिनट आपको मिलेगा। प्रयागराज के रहने वाले हैं तो 5:21 से 6:16 शुभ मुहूर्त है, 55 मिनट मिलेगा, माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा। तो दिवाली के समय जो पूजा की सामग्री लगेगी उसको आप नोट कर लीजिए, माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगेगी, कुबेर का यंत्र लगेगा, चांदी का सिक्का जो नया आपने धनतेरस या दिवाली में खरीदा है वो लगेगा, आप कोई आभूषण जरूर रखें सोना या चांदी का पूजा के दौरान, मिट्टी या पीतल का कलश लगेगा और साथ ही कमल का फूल, गुलाब का फूल, चंदन कपूर, केसर, ये तमाम चीजें लगेंगी। चौकी लगेगा, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा लगेगा, सिंदूर, गुलाल, हल्दी, 16 श्रृंगार, रुई, कमल गट्टे, धनिया साबुत, हल्दी की गांठ, ये ऐसे सामान है जो माँ लक्ष्मी की पूजा में लगेंगे। लौंग लगेगा, मौली लगेगा, इत्र की सीसी, तुलसी दल,
दीपक, अगरबत्ती, बड़े दीपक का तेल, मिट्टी के दीपक, ये सारे सामान लगेंगे। तो आप इनको पहले से ही तैयार रखें जिससे कि पूजा के दौरान बार बार उठना ना पड़े और माँ लक्ष्मी की पूजा आप विधि विधान से मनपूर्वक कर पाए। ध्यान रहे कि माँ लक्ष्मी की पूजा आपको इस दिन करनी है, कुबेर जी का मंत्र पढ़ना है, माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ना है, गणेश जी की आरती गानी है। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। 31 अक्टूबर को भी दिवाली मनाई जा रही है अधिकांश जगहों पर और 1 नवंबर को भी दिवाली होगी। दोनों टाइम मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।